तो ले दोस्तों, अभी मैं हूँ बनारस के लंका इलाके में। जी हाँ दोस्तों, लंका एक जगह है बनारस में जहाँ पर ना बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स लगती है दोस्तों, अलग अलग स्टॉल्स लगती हैं। तो अभी हम आए हैं दोस्तों यहाँ का ना बहुत ही फेमस कबाब पराठा ट्राई करने। जी हाँ दोस्तों, वेज कबाब और उल्टे तवे का पराठा मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर ना बिरयानी भी मिलती है वेज वाली। तो ये है बगल में ये स्टॉल छोटी सी, ये देखिए बोला शुद्ध शाकाहारी, और यहाँ पे मिलता है दोस्तों वेज कबाब। जी हाँ दोस्तों, वेज कबाब सुन के कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है ना। तो आइए भैया से बात करते हैं, देखते हैं इनका वेज कबाब और टेस्ट करके भी देखते हैं किस तरीके का है। आ जाओ, ये देखिए दोस्तों, ये है वो वेज कबाब जो हम खाने आए हैं आज। बड़ा ही लाजवाब लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना आपको कबाब जो नॉनवेज कबाब होता है उसकी तरह, मगर है ये वेज। भैया किस चीज़ का बनाया जाता है ये? सोयाबीन चने दाल है, पाँच मेल का जल है और कच्चा केला गाजर, उससे वेज कबाब तैयार किया जाता है। उसका बनाया जाता है। हाँ, और वेज रोल भी बनाया जाता है। वेज रोल भी मिलता है। हाँ, वेज रोल भी मिलता है। देखिए किस तरीके से भैया इसको पीट पीट के तवे पे डाल रहे हैं और बिल्कुल शेप में आ जा रहा है, ये देखो। और ये कुछ इस तरीके से ना अभी फ्राई किया जाएगा और तब ये प्लेट में लगाया जाएगा। 7 साल पुराना दुकान है इसका, हमारा नाम भूपराज है। ये भोला सूद शाकाहारी दुकान से इसको पहचानते लोग हैं यहाँ। वेज कबाब पराठा हम सोयाबीन और कच्चा केला गाजर मसूर की दाल से तैयार करते हैं इसे, और ग्रेवी चटनी प्याज के नींबू के साथ परोसा जाता है, और वेज बिरयानी भी बनाते हैं सोयाबीन और चावल डाल के, और वेज रोल भी है। कितने का है वेज रोल? 25 का है। कबाब पराठा भी 25 का है। वेज बिरयानी 30 का हाफ है, 60 का फुल। टाइमिंग सुबह 10 बजे खोलते हैं, 10:30 तक रहते हैं। 10:30 बजे रात में? हाँ, 10:30 बजे। और ये एड्रेस क्या है बताएंगे? यहाँ का एड्रेस बेटू लंका जाना जाता है, और बीटू के सामने, बीटू मॉल के सामने। हाँ, बीटू मॉल के सामने बनाया जा रहा है दोस्तों उल्टे तवे का पराठा। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से इसको सेका जा रहा है, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भैया अच्छे तरीके से ये तवे के ऊपर इन्होंने ये पराठा रख दिया है। तो किस चीज़ का होता है भैया? मैदे का होता है? आटा मैदा मिक्स होता है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर बेल के साइज ले लिया गया और तवे के ऊपर इस तरीके से रख के ना अच्छे से देखिए इसको सेका जा रहा है। ये देखो क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ग्रेवी रखी हुई है। किस चीज़ की ग्रेवी है ये? प्याज लहसुन का है। प्याज लहसुन अदरक ग्रेवी बनाई जाती है जो कबाब के साथ सर्व करते हैं आप। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ हरे धनिया की चटनी भी रखी हुई है देखिए। तो ये धनिया और मिर्च की होगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेट लगाया जाता है ये देखिए, और ग्रेवी के साथ कबाब चटनी और प्याज और रोटी सर्व की जाती है। तो ये आ गया दोस्तों हमारा कबाब, उसके ऊपर ये डाल दी गई है ग्रेवी और साथ ही साथ चटनी, क्या बात। और साथ में सर्व किया गया दोस्तों प्याज और अब पराठा। ये वाह जी वाह, ये हमारा प्लेट लग गया दोस्तों। ये देखिए, ये आ गया हमारा प्लेट कबाब पराठे का। एक पीस हमने कबाब लिया जो कि जिसका प्राइसिंग है दोस्तों 25 रुपये इस पूरे प्लेट का। इसमें इन्होंने देखो कबाब दिया है, पतला सा कबाब का एक पीस है, और साथ ही साथ ये ग्रेवी बनाई है इन्होंने प्याज और लहसुन वगैरह की, और साथ ही साथ चटनी दी है, प्याज दिए हैं कुछ, और ये हमारा कबाब का पराठा। ये देखो उल्टे तवे का पराठा है, क्या बात है ना। ह्यूज पराठा भाई, 25 रुपये का मील है ये, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। 25 रुपये में आपको मिल रहा है खाने को तो बहुत लाजवाब है। आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। गर्मा गर्म है बिल्कुल आपके सामने, अभी अभी तवे पे बन रहा था और फिर वहाँ से लिया है हमने। तो ये आ गया हमारा कबाब पराठा, और हम लेते हैं ये कबाब। ये देखो भाई वाह, थोड़ा सा और ले ही लेते हैं ये ले लिया, और थोड़े से लगाते हैं इसमें ग्रेवी, थोड़ी सी चटनी और थोड़े से प्याज रखते हैं दोस्तों, तभी जो ये पराठा है ना खाने का असली मज़ा आएगा। भाई वाह, ये मज़ेदार बाइट बन गई है, अब इसको टेस्ट करता हूँ। क्या वाह, कबाब बहुत लाजवाब है, सोयाबीन के हैं, चटनी बहुत स्पाइसी है, ग्रीन वाली चटनी जो है ना वो हल्के से स्पाइसी है, और जो ये कबाब है बड़े लाजवाब है। इसमें ना प्याज लहसुन और हर तरीके का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब बनाया हुआ है। क्या बात दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन खाने का शौकीन है ना, तो अगर बनारस आ रहे हैं तो ये कबाब पराठा आपको खाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है और काफ़ी लाजवाब है इसका टेस्ट, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों, ये वेज बिरयानी भी मैंने लगवा ली। भाई कबाब पराठा तो बड़ा लाजवाब था,
बड़ा मज़ा आया खा के। और ऑलमोस्ट ना अगर आप एक पराठा खाते हैं ना कबाब के साथ तो ऑलमोस्ट आपका पेट भर ही जाएगा, मगर फिर भी हमें स्वाद तो चखना था ना, तो हमने ले लिया ये वेज बिरयानी। देखिए मेरे पीछे तवे पे बन भी रहा है, देखो क्या गर्मा गर्म यहाँ पे बनाया भी जा रहा है, और देखो तो क्या साउंड आ रही है भाई, मज़ेदार। जब तवे के ऊपर कोई चीज़ बनती है ना उसकी साउंड आती है, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो आइए बिरयानी टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके का है भाई, गर्मा गर्म है, और देखिए किस तरीके का ये बिरयानी है। देखने में काफ़ी लाजवाब कलरफुल सा है, काफ़ी सारी इसके अंदर सोयाबीन डाला गया है दोस्तों, देखिए कितनी सोयाबीन की इसके अंदर बढ़िया डाली गई है। और जो चावल है ना वो भी दानेदार है, थोड़े से हल्के से मोटे हैं मगर है दानेदार, लंबे वाले है ना। तो आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके का इसका स्वाद है। तो ये एक बड़ी सी बाइट मैंने ले ली है और देखता हूँ कैसा है टेस्ट। बिरयानी बेसिकली इस बिरयानी में ना, वेज बिरयानी में क्या होता है कि बिरयानी में क्या होता है एसेंस होती है हल्का सा केवड़े का, हल्का सा रोज़ वाटर का, मगर ये बिल्कुल प्लेन है, मसालेदार है और जो चटपटा सा फ्लेवर है इसके अंदर है ना, जो ऑथेंटिक हम लोग बिरयानी टेस्ट करते हैं ना उस तरीके का नहीं है, मगर है ओवरऑल खाने लायक मज़ेदार। सोयाबीन की जो बढ़िया है ना वो देखिए आप किस तरीके से ना इसमें सारे मसाले के साथ बनाया गया है, ये देखो मसाले वसाले सब लगे हुए हैं इसके अंदर। तो जब ये चावल के साथ है इसकी बाइट ले रहे हैं ना और जब इसको च्यू कर रहे हैं तो जूसेस उसके अंदर से निकल रहे हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, मज़ेदार है। आप भी आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग है दोस्तों 30 रुपीज़, और जो हमने कबाब पराठा खाया था उसकी प्राइसिंग थी 25। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ, तो चलिए दोस्तों अभी बिरयानी को भी फिनिश करते हैं। हमने वेज ऑप्शन में आज दो चीज़ें देखी फिलहाल, जो कि हमारा कबाब पराठा था और बिरयानी थी। श्रीलंका में और देखते हैं क्या क्या खाने को हमें अलग मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा।